दोस्तों मान लो एक रेसलर या पहलवान है जिसने बहुत मेहनत करके अपनी एक बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और हर किसी को उसे देख के डर लगता है, मगर जब भी उसे किसी के साथ लड़ने को कहा जाता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, भले ही उसमें सामने वाले से ज्यादा ताकत क्यों ना हो। अगर उसे खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा तो वो ताकत किसी काम की नहीं, वो किसी से भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप चाहे दुनिया के कितने भी इंटेलिजेंट या पावरफुल आदमी क्यों ना हो, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए आपके अंदर ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 25 ऐसी बेस्ट लेकिन सिंपल टिप्स शेयर करेंगे जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो आप ये सभी 25 टिप्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपको जो जो टिप्स आपके लिए सही लगे आप सिर्फ वही टिप्स फॉलो कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को हमारी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी काफी ज्यादा पसंद है और आपको नई चीजों के बारे में जान के और सीख के अपनी नॉलेज को बढ़ाना पसंद है। इसीलिए हमने आपके लिए अपना एक और न्यूज चैनल लॉन्च किया है जो कि है रिवायर्स फैक्ट्स, जिस पे आपको फैक्ट्स रिलेटेड अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी जिससे आपकी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ेगी और एक्सपेंड होगी। तो प्लीज आप हमारे इस न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लव एंड सपोर्ट शो करो जैसा अब तक आपने रिवायर्स को किया है, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे न्यू चैनल रिवायर्स फैक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो प्लीज रिवायर्स फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और एडवांस में थैंक यू। नाउ बैक टू द वीडियो। सो नंबर 1, ऑलवेज ग्रूम योरसेल्फ। शेव करना, नहाना, एक अच्छा हेयर कट कराना, अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रूम करना, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब आप अपने आप को ग्रूम करते हो, अपने लुक को चेंज करके क्लीन और फ्रेश फील करते हो तो ये आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल वैसा जैसे जब आप अपना न्यू हेयर कट या शेव करवाते हो या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार होते हो। ड्रेस नाइसली, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने बारे में अच्छा फील करने का। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगेंगे, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन। अब यहाँ ड्रेसिंग नाइसली से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीद के पहनने लग जाओ, बल्कि आपके पास जो भी कपड़े हैं उनमें से अपनी फेवरेट शर्ट या जीन्स और शूज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उन्हें अच्छे से प्रेस करके साफ करके पहनो, बजाय वही रोज सेम टी शर्ट और पजामे के। आप वो पहने जिसमें आप अच्छे लगते हो, देखना आपका डेली सेल्फ कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बूस्ट हो जाएगा। क्रिएट योर बेस्ट सेल्फ इमेज। दोस्तों जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, और हमारी सेल्फ इमेज हमारी नजरों में कैसी है ये हमारे सारे छोटे बड़े डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। हम बाहर से कितने कॉन्फिडेंट दिखते हैं ये तभी दिखता है जब आप अंदर से मेंटली भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आपकी इमेजिनरी मेंटल इमेज ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को इमेजिन करो कि आप कल से नहीं बल्कि आज से ही कॉन्फिडेंट हो, और आपका बेस्ट वर्जन कैसा होगा वैसा बनने की कोशिश करो। वो कैसे होगा वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा। किल योर नेगेटिव थॉट्स एंड थिंक पॉजिटिव। दोस्तों जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप फील करेंगे। जैसे ही आपके माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आता है तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि हर एक चीज के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने की कोशिश करो। आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, इसमें क्या कमी है, वो खराब क्यों है, इन सबसे अच्छा है कि आप उन चीजों पर फोकस करो जो अच्छा है और आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है। सी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या नेगेटिव तो हमारे साथ होता ही रहेगा हमेशा, बट ऑप्टिमिस्ट वही लोग होते हैं जो बुरी सिचुएशन और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। लर्न टू से नो। दोस्तों याद करो आपने लास्ट टाइम कब किसी को नो या ना बोला था। जब आपको किसी ने बहला फुसला के आपसे कोई काम ना कराया हो बल्कि आपने खुद अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लिया हो और आपको जो चीज पसंद नहीं है आपने हिम्मत करके उस चीज के लिए ना कहा हो, इससे आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट होता हुआ खुद फील करा होगा। किसी भी काम या पर्सन को नो बोलने से आप प्राइड से भर जाते हो जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पर आपको हर किसी को हमेशा नो नहीं बोलना है, बल्कि जब आपको लगता है कि ये मैं नहीं करना चाहता, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा या ये काम मेरे बिना भी हो सकता है, तो आपको नो बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। गेट टू नो योरसेल्फ। चाइनीज फिलोसोफर सन ज़ू ने कहा था कि नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। यानी जब भी आप किसी लड़ाई में जा रहे होते हो तो अपने दुश्मन को अच्छे से जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका दुश्मन कौन है, वो कितना पावरफुल है, उसकी क्या कमजोरी है, तब तक आप उसे नहीं हरा सकते। और जब आप अपने नेगेटिव सेल्फ से लड़ रहे होते हैं तो अपने दुश्मन भी आप खुद ही होते हैं। इसीलिए अपने आप से जीतने के लिए आपको अपने आप के बारे में डीपली जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्ट पॉजिटिव।
सी पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आपको पॉजिटिव एक्शंस लेना भी बहुत जरूरी होते हैं। यानी आपके पास डेली रोज हर समय तो ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। या तो आप उस टाइम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नेगेटिव एक्शंस ले सकते हो या लॉन्ग टर्म का सोच के पॉजिटिव एक्शन। आप रोज जितने ज्यादा पॉजिटिव एक्शंस लोगे उतने ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी। और जितना आप अपने आप को आगे अपनी लाइफ को पॉजिटिव होता हुआ देखोगे उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बी काइंड एंड जेनरस। देखो चाहे कोई भी हो और लाइफ में कुछ भी क्यों ना बन जाए, आपको रतन टाटा जैसे ट्रूली हम्बल लोगों की तरह ही हमेशा काइंड और जेनरस होना चाहिए। यानी अपने आप को, अपने टाइम को और अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत काइंडनेस के साथ ट्रीट करना आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करता है। आप अपने माइंड में तो एक अच्छे इंसान है, बट अगर आप लोगों से ही अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए ऐसा सोचो कि आप अच्छे हो और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लोगे। गेट प्रिपेयर्ड। One important key to success is self-confidence. A key to self-confidence is preparation. Arthur Ashe. अगर आप पहले से prepared नहीं हो मगर confident हो तो वो असल में एक fake confidence है। Real confidence तब आता है जब आप जो कर रहे होते हो उस पे आपको पूरा यकीन होता है। आप पहले से prepared होते हो, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और आप ये मानते हो कि आप उसमें कामयाब हो जाओगे। For example, जो students exam से पहले अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो बाकी students के मुकाबले ज्यादा confident feel करते हैं कि वो exams में अच्छा perform करेंगे। नो योर प्रिंसिपल्स एंड लिव देम। ये पूरा वर्ल्ड कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। नेचर के अपने कुछ नियम हैं, हर कंट्री के भी अपने कुछ अलग रूल्स होते हैं और हर वो इंसान जिसकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, जो बिना अपने किसी रूल या रेगुलेशन के जी रहा है, वो लाइफ में बस भटकता ही रहता है। इसीलिए अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो जो आपको आगे बढ़ने का सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। स्पीक स्लोली। एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रिक है। किसी से भी बात करते हुए जब आप धीरे धीरे और आराम से बोलने लगते हो तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं आपने खुद देखा होगा, वो कभी भी जल्दी जल्दी बात नहीं करते। वो धीरे धीरे आराम से बोलते हुए अपनी बात रखते हैं और ये उनके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। स्टैंड टॉल। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ अराउंड 80% लोगों का बॉडी पॉस्चर बहुत खराब होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी आती है, जिनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। वहीं जो इंसान सीधा खड़ा होता है, अपनी बैक स्ट्रेट रख के और चेस्ट बाहर निकाल के खड़ा होता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखता है और फील भी करता है। इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुपरमैन पोज में खड़े होते लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है। इंक्रीज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी अपनी एबिलिटी या स्किल को इंक्रीज करना, अपने लिमिट्स को पुश करना। वेल, अब अपने कॉम्पिटेंस को कैसे बढ़ाना है उसके लिए जरूरी है ज्यादा स्टडी या अपने वर्क को प्रैक्टिस करने से। जब आप किसी चीज को मास्टर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस चीज में बढ़ जाता है। सेट अ स्मॉल गोल एंड अचीव इट। ज्यादा कॉन्फिडेंट होने से आपके सारे बड़े बड़े गोल्स अचीव होंगे, बट अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने से आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। इसीलिए अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो, उन पर काम करो, उन्हें पूरा करो और अपने बड़े गोल्स को पूरा करने का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। चेंज अ स्मॉल हैबिट। और इन स्मॉल गोल्स में आप सबसे पहले स्मॉल गोल अपनी कोई भी छोटी आदत को बदलने का सेट कर सकते हो। और कुछ बड़ा नहीं, बस छोटा सा, जैसे रोज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना या दिन भर में खुद से कुछ देर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, हर दिन बस एक पेज रीड करना या फिर सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करना। फोकस ऑन सॉल्यूशंस। एक अच्छी आदत जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी वो है प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान देना। हम ज्यादातर एक प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं बट कभी हिम्मत करके उसे सॉल्व नहीं करते। इसीलिए सिर्फ सोचते ही नहीं रहना बल्कि उन सॉल्यूशंस पर एक्शंस लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। याद रहे, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। स्माइल। एक और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक है। बस एक स्माइल करो और आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होने लगेगा। यहाँ किसी को देखकर स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आप को शीशे में देखो और अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ले आओ। आप इमीडिएटली अच्छा फील करने लगोगे। यकीन नहीं आता तो अभी स्माइल करके देखो, क्योंकि स्माइल करने से हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन रिलीज होने लगते हैं। वॉलंटियर। बिना किसी को बताए या शो ऑफ करे आप रियली में किसी हेल्प का ट्राई करो या किसी अच्छे काम के लिए खुद को वॉलंटियर करो। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी की प्रॉब्लम को सिर्फ सुन लो, किसी की मदद कर दो या अपना ब्लड डोनेट कराओ। कुछ भी ऐसा जिससे सामने वाले के लाइफ में कुछ बेटर हो जाए। लेकिन ये आपको करके किसी को बताना नहीं है, खुद तक ही रखना है। देखना, ये फीलिंग आपको अंदर से आपके बारे में बहुत अच्छा फील करवाएगी। बी ग्रेटफुल। एक सिंपल सा ये थॉट कि आप अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो कि आप जैसे भी हो, आपके पास जो कुछ भी है, बट आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, बट आप अपनी लाइफ के लिए और अपने लिए बहुत थैंकफुल हो। आपके साथ और बुरा हो सकता था लेकिन उतना भी बुरा नहीं है, तो ऐसा सोच के आप हाई कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो। एक्सरसाइज।
कोई भी जिम जाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता। कोई एक्सरसाइज करने के इमीडिएटली बाद ये नहीं सोचता कि मैं कल से एक्सरसाइज नहीं करूंगा, पर जैसे ही कल आता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसे बढ़ाने के लिए उसे जिम जाना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, और फिर ये करने के बाद ही वो वापस कॉन्फिडेंट फील कर पाता है। वहीं एक्सरसाइज ना करके वो अपने बारे में बुरा सोचने लगता है कि मुझसे नहीं होगा शायद। एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है वो इंसान आगे जाके बहुत रूड हो सकता है, पर हर किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। जो लोग नॉलेज के बाद रूड नहीं होते वो हाईली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी सीखना बंद मत करो। जितनी आप में नॉलेज होगी उतने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। डू समथिंग यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन। प्रोक्रेस्टिनेशन हम सबका दुश्मन है, और अपने दुश्मन को हराने से हमें क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। तो जाओ और अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो जो आपने अब तक कंप्लीट किया नहीं। जो बुक आपने आधी छोड़ दी थी उसे कंप्लीट करो। जो भी छोटे मोटे काम जिसे आप काफी टाइम से टाल रहे थे उनमें कम से कम एक काम कंप्लीट कर दो। अगला वाला कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाएगा। बिलीव नहीं होता तो आज जस्ट करके देखो। मेक योर बेड। अपने दिन की शुरुआत में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले अपना बेड ठीक करो, क्योंकि ये छोटा सा टास्क आपकी हर सुबह को अच्छा बना देगा। तभी इसे मिलिट्री में भी करवाया जाता है कि लेजीनेस एंड गेट एक्टिव। कुछ करना ना करने से हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए जब भी आप अपने आप को कहीं कोने में पड़े हुए अपने फोन को जॉम्बी की तरह स्क्रॉल करते हुए पाओ तो तुरंत एक्टिव होके कुछ काम करने लग जाओ। कुछ भी काम जिससे आपका माइंड और बॉडी एक्टिव रहे। लेजीनेस को किल करना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे बेस्ट वे है। क्लियर योर डेस्क। एक लास्ट क्विक हैक। अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और अपना काम करने का मन नहीं कर रहा हो तो अपने डेस्क को साफ करके चमका दो। सारे पेपर, पेन, बॉक्स, वायर्स, सभी चीजों को उनकी सही जगह पे रखो। ये इमीडिएटली आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ले आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।